नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंट 5 ट्रिगर्स जो कि मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। 3 से 7 मार्च के बीच मार्केट किस तरीके का रहेगा, क्या निफ्टी 22,500 के लेवल को पार करके और नए हाई लगाता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो किस तरीके के ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं 22,450 के आसपास है, इसमें सैटरडे की क्लोजिंग शामिल नहीं है, फ्राइडे तक की ही क्लोजिंग के हिसाब से आपको एडजस्टेड डेटा देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप देख रहे हैं तो हमारे इंडियन मार्केट्स में सैटरडे को जो ट्रेडिंग सेशन देखने मिला था वहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट 22,378 के आसपास जो है वो क्लोज होता हुआ आपको दिखाई दिया। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था 10 पॉइंट से ही सही, लेकिन 47,300 के आसपास उसकी क्लोजिंग आपको देखने मिली। सेंसेक्स भी 73,000 के ऊपर जाके क्लोज होता हुआ आपको दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट्स की भी आप बात करें तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक तीनों में ही आपको एक अच्छी खासी हरियाली देखने मिली। 39,000 के ऊपर जाके डाउ क्लोज हुआ, 5,100 के ऊपर S&P 500। वहीं अगर आप देख रहे हैं हैंगसेंग निकेई के बाजार, वहां पे भी आपको एक शानदार लेवल देखने को मिल रहा है, तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी आपको सारे पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे ट्रिगर की जो है FISDS के डेटा, तो आप देख सकते हैं पिछले 8 महीनों में से 6 महीनों में, लगभग 7-8 महीनों से अगर आप देख रहे हैं FIS का ट्रेंड ऑलमोस्ट नेगेटिव है, जिसमें सिर्फ दिसंबर और नवंबर का अगर आप डेटा हटा दे तो आपको ग्रीन डेटा देखने मिल रहा है, जहां पे उन्होंने कुछ बाइंग की थी नवंबर दिसंबर, लेकिन जनवरी में लगभग 35-36 हज़ार करोड़ की सेलिंग थी और फरवरी में भी अगर आप देख रहे हैं 16 हज़ार करोड़ की सेलिंग जो थी FIS ने की थी। वहीं पिछले 7-8 महीनों से लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे डीआईएस, तो इसी कारण से मार्केट आपको लगातार हाई पे हाई बनाता दिख रहा है, लेकिन FIS की सेलिंग का कोई भी इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट हाई लगाते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं FIS की भी बाइंग आना अभी बाकी। अगर FIS की बाइंग आती है प्री इलेक्शन रैली की, जो मार्केट संभावना लगा के चलता है, क्योंकि पिछले आप 3-4 इलेक्शन देखेंगे तो प्री इलेक्शन रैली जो आती है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है नतीजों इलेक्शन से पहले जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है। कल के ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें, 81 करोड़ की सेलिंग FIS की तरफ से और नेट जो बायर हैं वो इस महीने में FIS 47 करोड़ की बाइंग अभी आती हुई दिखाई दी। 1 मार्च को 128 करोड़ की बाइंग जो थी FIS की तरफ से आई थी। DIS ने 1 मार्च को 3800 करोड़ की बाइंग की थी और कल के दिन 44 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने मिली। तो नेट नंबर जो है 3,770 करोड़ का DIS की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो DIS बहुत अभी भी पॉजिटिव है मार्केट्स पे, लेकिन FIS का मूड अभी भी बना नहीं है, तो FIS का मूड कब बनता है ये देखने वाली चीज होगी। तीसरे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की बात करें तो 3 IPO जो है मेन लाइन में वो आपको अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से गोपाल स्नैक्स की मैं बात करूं 6 से 11 मार्च के बीच खुलता हुआ दिखाई देगा। JG केमिकल्स की बात करें तो 5 से 7 मार्च के बीच IPO खुलता हुआ दिखाई देगा और RK स्वामी लिमिटेड के IPO के बारे में तो 4 से 6 मार्च के बीच IPO भी खुलता हुआ दिखाई देगा। वहीं ऑन गोइंग IPO की बात करें तो मुक्का प्रोटीन्स का IPO जो है वो 4 मार्च के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बाकी अगर हम बात करें 3 IPO जो है लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट जो है वो और एक्जिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड और प्लेटिनम इंडस्ट्री, इसकी अगर हम देख रहे हैं लिस्टिंग डेट तो 6 मार्च के दिन भारत इन्विट, 5 मार्च के दिन एक्जिकॉम टेली सिस्टम और साथ ही साथ प्लेटिनम इंडस्ट्री भी 5 मार्च के दिन लिस्टिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो ये अगले हफ्ते के लिए प्राइमरी मार्केट्स के भी जो है उसमें भी एक अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन अब बात करेंगे चार्ट्स पे किस तरीके के इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की जो ट्रेडिंग तेजी है वो खत्म होने रही है और यहाँ पे नए हाइस लग रहे हैं, जैसे हमने देखा फ्राइडे के सेशन में एक शानदार उछाल जो था, GDP के नंबर आए थे उसके बाद देखने मिला लगभग 355 अंकों का उछाल था निफ्टी में और नए हाइस पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। और सैटरडे के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ हमने एक नया हाई देखा, 22,378 का हाई लगा था, क्लोजिंग जो थी वो आती हुई दिखाई दी और 22,420 के आसपास का जो है इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगले हफ्ते के लिए 22,500 22,600 के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो है 22,400 के आसपास का लेवल 22,300 22,400 वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा और 22,000 21,900 वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। मतलब वो तो अब ऐसा होगा कि वहां पे आएगा तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करनी चाहिए। और पिछले अगर आप जनवरी फरवरी के महीने भी देख रहे हैं तो मार्केट में ज्यादा कोई बड़ी तेजी नहीं हुई, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी मंदी भी देखने को नहीं मिली, रीजनेबल रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट कामकाज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
ऑप्शन चेन के भी अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन में भी आप यहां देख सकते हैं लगभग लगभग 21,000 22,100 के लेवल की अगर मैं बात करूं पुट में, तो लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे लगभग 11,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया कहीं ना कहीं, और 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 22,200 के लेवल पे बना हुआ है। देने कहीं ना कहीं 22,200 22,100 एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर हम 22,500 की बात करें कॉल साइड में, तो आपको 82,300 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। वो अब देखना होगा कि अगले हफ्ते नया किस तरीके से एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पोजिशन कम है। अगले हफ्ते से सोमवार से ये पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीकली एक्सपायरी में 22,500 का लेवल पार होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट 22,600 22,700 की तरफ फिर हेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। 22,600 में भी देखिए लगभग 68,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, और 22,700 पे भी 80,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 22,400 जो कि स्ट्राइक लेवल है आपका यहाँ पे, जहाँ से आप स्ट्रेडल अगर आप देख रहे हैं तो 147 रुपये के आसपास की जो वैल्यू है वो कॉल में, और 130 रुपये के आसपास की वैल्यू जो है वो पुट पे चलती हुई दिख रही है। और इन लेवल पे भी अगर आप देखें 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ है, और 71,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कॉल साइड में बना है, तो टसल लेवल यही है। मोटा मोटी अगर आप इस रेंज को कंपेयर करते हैं तो 22,200 से लेके 22,600 650 तक का जो मार्केट का रेंज है वो निकल के आता है। अगर कोई भी स्ट्रेडल शॉर्ट करता है तो 22,150 से 22,650 एक सेफ रेंज रहेगी उनके लिए, जो इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं अगले हफ्ते के लिए। उसके आर या पार निकलता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं आपको एक तेजी या मंदी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मार्केट में भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसके कारण आप यहाँ सोचें कि कोई एक्सेसिव मंदी हो जाएगी। मार्केट का मूड अच्छा खासा पॉजिटिव है, तो यहाँ हमने देख रहा है कि पुट शॉर्ट करने वाले लगातार है, वॉलिटिलिटी जो है मार्केट में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे अब इलेक्शन करीब आते जाएंगे वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और मार्केट में कभी भी जब कभी भी चुनाव की घोषणा होती हुई दिखाई देगी, आचार संहिता लगती हुई दिखाई देगी, उसके बाद मार्केट के मोमेंटम को और भी आपको कीनली वॉच करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।